नमस्कार पेरेंट्स एंड माय डियर चिल्ड्रन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी हिंदी चैप्टर 8 टीवी। टीवी मीन्स टेलीविजन। बिफोर रीडिंग दिस चैप्टर आई वांट टू आस्क यू ए क्वेश्चन। वी ऑल नो व्हाट television is? Yes, it is an entertainment and information tool. Okay, do you understand? Now we are going to read the lesson. Listen carefully. Television ko vigyan ka एक अद्भुत आविष्कार माना जाता है। इसको हिंदी में दूरदर्शन कहा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा दूर की वस्तुओं के दर्शन होते हैं। टेलीविजन का आविष्कार वैज्ञानिक जॉन लॉगी बेयर्ड ने किया था। पहले इस पर केवल श्वेत श्याम चित्र देखे जाते थे, पर अब रंग बिरंगे चित्र देखने को मिलते हैं। टेलीविजन मनोरंजन का एक साधन है। सेकंड पैराग्राफ। कामकाजी व्यक्ति दिन भर की थकान के बाद शाम को कुछ देर टेलीविजन देखकर अपना मनोरंजन करता है। विद्यार्थियों को इसके माध्यम से ज्ञान की अनेक बातें सीखने को मिलती है। किसान अच्छी फसल प्राप्त करने की विधियां सीखते हैं। इसके माध्यम से पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलती है। ओलंपिक खेलों एशियाई खेलों तथा अन्य महत्वपूर्ण खेलों की प्रतियोगिताओं को देखकर युवा खेलों के प्रति आकर्षित होते हैं। थर्ड पैराग्राफ। टेलीविजन के अनेक लाभ हैं तो कुछ हानियां भी हैं। अधिक टीवी देखने से आंखों की तथा दिमाग संबंधी अनेक परेशानियां उत्पन्न होती है। बच्चे खेल खेलने के बजाय टीवी से चिपक कर बैठे देखे जाते हैं, इसलिए हमें ज़्यादा समय तक टीवी नहीं देखना चाहिए। आई एम रीडिंग दिस लेसन वन मोर टाइम एंड I will explain it too. Okay. टेलीविजन को विज्ञान का एक अद्भुत आविष्कार माना जाता है। It means television is considered a wonderful invention of science. Okay. इसको हिंदी में दूरदर्शन कहा जाता है।
It means it is called Doordarshan in Hindi. क्योंकि इसके द्वारा दूर की वस्तुओं के दर्शन होते हैं. Because it gives vision of distant things. Okay. टेलीविजन का आविष्कार वैज्ञानिक जॉन लॉगी बेयर ने किया था. What is the meaning? Television was invented by scientist John Logie Baird. पहले इस पर केवल श्वेत श्याम चित्र देखे जाते थे. It means earlier only black and white images were seen on it. पर अब रंग बिरंगे चित्र देखने को मिलते हैं. What is the meaning रंग बिरंगे? It means but now colorful images are seen. Okay. But now colorful images are seen. Television मनोरंजन का एक साधन है. What is the meaning of साधन? Okay. Television is a means of entertainment. Now second paragraph. कामकाजी व्यक्ति दिन भर की थकान के बाद शाम को कुछ देर टेलीविजन देखकर अपना मनोरंजन करता है. What is the meaning of कामकाजी? कामकाजी means the working person entertains himself by watching television for a while in the evening. Okay. विद्यार्थियों को इसके माध्यम से ज्ञान की अनेक बातें सीखने को मिलती है. What is the meaning of विद्यार्थी? I think you know students get to learn many things of knowledge through this. किसान अच्छी फसल प्राप्त करने की विधियां सीखते हैं. Farmer methods to get good crop. इसके माध्यम से पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलती है. It means through this awareness of the entertainment is spread. ओलंपिक खेलों एशियाई खेलों तथा अन्य महत्वपूर्ण खेलों की प्रतियोगिताओं को देखकर युवा खेल के प्रति आकर्षित होते हैं. It means Olympic means attracts to youth sports by watching competition of Olympics game, Asian game and other important sports. Third paragraph. Television के अनेक लाभ होते हैं. टेलीविजन हैज मेनी बेनिफिट्स. तो कुछ हानियां भी है. सो सम लॉसेस ऑल्सो. अधिक टीवी देखने से आंखों की तथा दिमाग संबंधी अनेक परेशानियां उत्पन्न होती है. अधिक टीवी देखने से इट मीन्स watching more TV causes
many problems related to the eyes and brain. बच्चे खेल खेलने की बजाय टीवी से चिपक कर बैठे देखे जाते हैं. Children are seen sitting on the TV instead of playing games. इसलिए हमें ज़्यादा समय तक टीवी नहीं देखना चाहिए. So we should not watch TV for long. So this is our lesson. You guys have to read this lesson at least 3-4 times. I am writing the difficult words of this lesson on the board. You just to find and underline. Okay, children? Okay. Adbhut. Adbhut means wonderful. Adbhut means wonderful. Avishkar, invention. Avishkar, invention. Vaigyanik, scientist. Vaigyanik, scientist. Manoranjan, you know, entertainment. Manoranjan, entertainment. Thakan. What is the meaning of thakan? Tiredness. Okay, tiredness. Kisan, you know na kisan, farmer. Okay. Fasal. Fasal means crop. Fasal means crop. Jagrutta, awareness. What is the meaning of Jagrutta? Awareness. Pratiyogita. Pratiyogita means competition. And Hani. Hani means loss. Labh. Labh means benefit. So this is the one difficult word. Okay, thank you. Have a nice day.